हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में परमुटेशन पे हम लोग वर्क कर रहे थे और उसमें हमने वैसे क्वेश्चंस पे काम करना सीखा जिसमें कि एन थिंग्स हो लेकिन सारे के सारे डिफरेंट नहीं हो, उसमें से कुछ आइडेंटिकल थिंग्स हो, उस केस में हम लोग कैसे उसको अरेंज कर पाते हैं और कैसे उसका परमुटेशन लिख पाते हैं। तो आइए इसी से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन हम लोग और करते हैं, देखते हैं। जैसे क्वेश्चन लिखी हुई है, क्वेश्चन है हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म्ड विद द लेटर ऑफ वर्ड हरियाणा विथ द लेटर ऑफ वर्ड हरियाणा। कंडीशन दिया है पहला एच हाउ मेनी ऑफ दीज। पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी वर्ड कैन बी फॉर्म विथ लेटर ऑफ वर्ड हरियाणा, हाउ मेनी ऑफ दीज। दूसरा हैव एच एंड एन टुगेदर। तीसरा बिगेन विथ एच एंड इन विथ एन। एंड एंड विथ एन। Have three vowel together. तो किस तरह से हम लोग वर्क करते हैं उस पर हम लोग देखेंगे। जैसा कि हमारे पास लेटर जो लिखा हुआ है हरियाणा, इसमें हमारे पास कौन कौन आइडेंटिकल रिपीटेड है। जैसे एच मेरा एक है तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में हेयर एच इक्वल टू वन, वन एच है। ए हमारे पास तीन है, ए इक्वल टू थ्री। और आर मेरे पास एक है, वाई एक है और एन एक है। आर भी वन है, वाई भी वन है और एन भी वन है। टोटल वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन है। सेवन मेरे पास लेटर है और सेवन लेटर से मेरे पास जो वर्ड होगा वो होगा पहला नंबर ऑफ वर्ड। इस केस में क्या करते हैं, सबको डिफरेंट मान के अरेंज कर लेते हैं और जो आइडेंटिकल होता है उतने फैक्टोरियल से हम लोग डिवाइड कर देते हैं। तो पहला केस मेरे पास आएगा 7 factorial by 3 factorial। जब इसको सॉल्व करिएगा 7 × 6 × 5 × 4 × 3 factorial by 3 factorial, ये कैंसिलेशन होगा और इसका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास आएगा 840। पहला केस ख़त्म। अगले केस में कहता है कि एच एंड एन टुगेदर, एच और एन को एक साथ आना है, यानी कि एच और एन को एक साथ आना है। तो एक साथ वाले केस में हमने आपको बताया था कि जिसको भी एक साथ लेना है उस दोनों को एक साथ फिक्स करके वन मान लेना है। तो अगले केस में हम लोग बढ़ेंगे नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन एच एंड एन टुगेदर। तो इस केस में सेवन में से दो निकालेंगे क्योंकि दोनों को एक साथ रखते हुए एक मानना है। तो मेरे पास सिक्स होगा तो हम लोग लिख देंगे 6 factorial। और उस सारे को अरेंज करने के बाद ए तीन है तो 3 factorial हम लोग लिख लेंगे। और साथ में एच और एन को एक साथ रखते हुए भी अदल बदल कर सकते हैं 2 factorial से, तो आप यहाँ 2 factorial से मल्टीप्लाई कर लें, ठीक है। तो हमारे पास इससे रिजल्ट आएंगे 240। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 240 आएंगे। अगला केस तीसरा कहता है
कि एच से शुरू हो और एन से एंड हो। इस केस में भी हम बताए थे आपको 1 2 3 4 5 6 7 है, यहाँ एच रख देंगे, यहाँ एन रख देंगे, इसको फिक्स कर दीजिए। मतलब इसको कोई चेंजिंग नहीं करना है, इसका पोजीशन नहीं बदलना है। मेरे पास 5 पोजीशन है और 5 लेटर है, तो इस केस में रिक्वायर्ड नंबर जो होंगे 5 factorial by, और ए चूँकि 3 बार इस्तेमाल हुआ है तो 3 factorial से हम लोगों को डिवाइड करेंगे। इसका हमारे पास आंसर जो होगा वो होगा 20, तो हम लोग लिख देंगे 20। अगले केस में 3 vowels together, हमारे पास 3 vowel together है, तो 3 ही vowel है, तीनों ए है, ठीक है। तो उस केस में तीनों को एक मान लेंगे, तीनों को एक मान लीजिएगा तो 7 में से 3 चला गया 4, और एक मान लिए तो 5 factorial हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में नंबर ऑफ वर्ड्स व्हेन 3 vowel together, इस केस में क्या करना है, 3 को आप 1 ले लीजिए और बाकी बच गया मेरे पास 4 और 1 माने हैं, तो उसको 1 मानिएगा तो 5, तो 5 factorial by 3 factorial। अच्छा, तीनों के तीनों मेरे पास आइडेंटिकल केस है, तो उसको भी आपस में 3 factorial वाले सिस्टम से कट के फाइनली मेरे पास, चूँकि अगर उसको 1 मानेंगे, सपोज कीजिए, हटाइए इसको, सीधे 5 factorial हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तीनों एक तो है, तीनों को एक साथ फिक्स कर लिए हैं, अब उसका अरेंजमेंट बाकी तो मेरा डिफरेंट है, तो फैक्टोरियल 5 factorial हो गया। अब तीनों को आपस में अरेंज भी करेंगे तो आइडेंटिकल है, अरेंजमेंट में भी एक ही अरेंजमेंट आएगा, तो सीधे मेरा 5 factorial होगा, ये मेरा होगा 120। इस तरह से हम लोगों को इस पर काम करना चाहिए। हम लोग आगे एक और टॉपिक है उस पर वर्क करते हैं। और ये है मेरा सर्कुलर परमुटेशन, तो थोड़ा सा हम लोग इस पर भी कुछ कंसेप्ट देख लें और वर्किंग सीख लें। सर्कुलर परमुटेशन क्या है? सर्कुलर परमुटेशन ये चीज़ हम पहले समझेंगे। जैसे हम लोग स्टेट रो में किसी को अरेंज करते हैं, उसी तरह से किसी राउंड टेबल पर किसी को अरेंज करना या किसी सर्कल में किसी सिस्टम को अरेंज करना सर्कुलर परमुटेशन कहलाता है। तो इस पे हम लोग किस तरह से काम करते हैं उस पे हम लोग बात कर लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमको 4 पर्सन को अरेंज करना है, ठीक है। मान लीजिए कि 4 पर्सन है, इसको सर्कल में अरेंज करना है, एक सर्कल में हमको 4 पर्सन को अरेंज करना है, जिसे सपोज कीजिए ए है, बी है, सी है और डी है, ठीक है। अब अगर सारे का पोजीशन बदल दे, अब यहाँ से इसको यहाँ पे डी कर लें, यहाँ पे सी कर लें, यहाँ पे बी कर लें, यहाँ पे ए कर लें, ठीक है। अगले केस में फिर हम सबका पोजीशन थोड़ा चेंज कर लें, अब मेरे पास हो जाएगा, ये मेरा ए हो जाएगा, ये मेरा बी हो जाएगा, ये मेरा सी हो जाएगा और ये मेरा डी हो जाएगा। एक और अरेंजमेंट आप कर सकते हैं, सपोज कीजिए ऐसा मेरा आ जाए, अब ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। आप ऑब्जर्व कीजिए कि इसमें चारों केस में कोई भी डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं हो रहा है। कैसे नहीं हो रहा? ए के बगल में बी है, ए के बगल में डी है, यहाँ पर भी देखिए ए के बगल में बी है, ए के बगल में डी है। पोजीशन किसी का किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बदला, तो हम उसको डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं कह सकते हैं। जैसे मान लेते हैं कि सपोज कीजिए ये मेरा ए बी सी डी है, ठीक है। पहला केस में ए बी सी डी है, अब अगले केस में सपोज कीजिए कि हम ले सकते हैं डी ए बी सी। तो जब स्टेट पे हैं तो स्टेट में देखिए पोजीशन बदल गया, स्टेट में मेरा पोजीशन बदल गया कि डी के बगल में ए है और इधर
ए के बाद बी है, बी के बाद सी है, यहाँ पे डी के बगल में सी है, तो स्टेट पे जब हम चल रहे हैं तो इसका पोजीशन बदला तो ये डिफरेंट अरेंजमेंट ज़रूर कहलाया, लेकिन जब हम सर्किल पे मूव करेंगे तो पोजीशन किसी का किसी के रिस्पेक्ट में नहीं बदला, तो उस केस में इसको हम डिफरेंट अरेंजमेंट ना करके सेम अरेंजमेंट करते हैं। तो ऐसे केसेज को बनाने के लिए क्या किया जाए, सबसे पहला वर्क ये है कि अगर किसी को फिक्स कर दें, सपोज कीजिए कि ए को अब फिक्स कर दे कि ए का पोजीशन अगर नहीं बदलेंगे तो जैसे ही ए को फिक्स कीजिएगा ये रो वाले अरेंजमेंट पे सिस्टम आ जाता है और उस वक्त इसका हम लोग अरेंज करके वर्क करते हैं। तो सपोज कीजिए कि इसमें हम लोग बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ सर्कुलर अरेंजमेंट ऑफ एन डिफरेंट थिंग्स टेकन ऑल एट ए टाइम इक्वल टू एन माइनस वन फैक्टोरियल। यानी कि सीधी सीधी वर्क है कि जब भी हमको सर्कुलर परमुटेशन पे काम करना होगा तो किसी एक को फिक्स करेंगे, जैसे ही एक को आप फिक्स करिएगा वो स्ट्रेट लाइन वाले अरेंजमेंट पे आ जाएगा जिसके बारे में हमने लॉट ऑफ स्टडी किया है। तो एक को फिक्स करके और बाकी जितना बच जाता है उसको स्ट्रेट लाइन पे अरेंज कर लीजिए, वो हो जाएगा एन माइनस वन फैक्टोरियल। लेकिन ठीक है, तो इस टाइप पे जब भी क्वेश्चंस रहे तो हमको वर्क करना है। अब इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं फिर आगे वाले टाइप में हम लोग वर्क करते हैं। अब देखिए, जैसे कहा इसमें क्वेश्चन है, 20 persons आर इन्वाइटेड फॉर ए पार्टी, इन हाउ मेनी वे कैन दे एंड होस्ट वी सीटेड एट सर्कुलर टेबल। देखिए क्वेश्चन हमारे पास है, इस चीज़ को हमको समझते हैं। ये कहा कि इफ 20 persons वेयर इन्वाइटेड फॉर ए पार्टी, इन हाउ मेनी वे कैन दे एंड the host we seated at a circular table। देखिए अब 20 persons को इन्वाइट किया गया है और 1 person होस्टेड है, जिन्होंने इन्वाइट किया है सिस्टम को, टोटल 21 persons हैं और इसको एक सर्कुलर टेबल पे बैठाना है। तो हमने आपसे कहा था कि जब इस तरह के केसेज हों तो आप किसी एक को फिक्स कर लीजिए, मान लेते हैं होस्ट को ही फिक्स कर लीजिएगा, तो बाकी ये अब क्या हो जाएगा, अब बाकी स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट पे आ जाएगा। तो स्ट्रेट लाइन अरेंजमेंट में एक को जैसे ही आप फिक्स करेंगे तो 21 में से एक फिक्स हो गया तो बाकी 20 बचा, तो इसके लिए रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा इक्वल टू 21 माइनस 1 का फैक्टोरियल यानी 20 factorial। सिंपल तरीके से हम लोग इसका जवाब दे सकते हैं। ठीक है, इसी में कहता है कि इन हाउ मेनी वे दीज विल इसी में अगले क्वेश्चंस में इसी में पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी ऑफ दीज वेज विल टू पार्टिकुलर पर्सन वी सीटेड ऑन
सीटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द होस्ट। अब कहता है कि ठीक है, अब हाउ मेनी ऑफ दीज वेज विल टू पार्टिकुलर पर्सन बी सीटेड ऑन आइदर साइड ऑफ द होस्ट। अब होस्ट के दोनों तरफ कोई दो पार्टिकुलर पर्सन को हमको रखना है, वो किस तरीके से आप रख सकते हैं। मान लेते हैं कि हमने यहाँ रखा सी को, हमने रखा डी को, यानी सी और डी को आपको अब एक मानना है और वर्क करना है। मेरी बात को फॉलो कीजिए, मैंने अभी जस्ट थोड़ा देर पहले बताया कि एक साथ वाले को हमेशा एक मान लिया जाता है और अरेंजमेंट करके फिर एक साथ वाले को जिसको एक माने उसको आपस में अरेंज किया जाता है। तो 21 पर्सन था और दो पार्टिकुलर को होस्ट के दोनों बगल में बैठाना है, नेसेसरी कंडीशन डाल दिया है। तो अब क्या करेंगे, इस दोनों को एक मान लेंगे, तो टोटल मेरे पास कितना था, 21 था, उसमें एक को हमने फिक्स किया, ये भी मेरा चला गया, ठीक है। अब दो को यहाँ बैठाना है, ये फिक्स कर दिया गया है, कंडीशन डाल दिया गया है कि दोनों को आप इसके अगल बगल में बैठाइएगा, इसके अलावा और कहीं नहीं ले जाना है। तो दो को आप फिर निकाल लेना है उसमें से, तो 21 में से 3 निकल गया। तो अब 18 पर्सन को आपस में अरेंज कर सकते हैं, चूँकि स्टेट लाइन पर सिस्टम आ गया। तो अब मेरे पास रिक्वायर्ड नंबर हो जाएगा 18 फैक्टोरियल, लेकिन इसके अगल बगल में बैठाते हुए भी आप इस दोनों को अरेंज कर सकते हो, सी को पहले डी को बाद में, या डी को पहले सी के बाद में। तो इसको आप 2 फैक्टोरियल से, यानी कि ये टोटल रिक्वायर्ड नंबर होगा। तो इस तरह के सर्कुलर केस होते हैं तो हम लोगों को वर्क करने चाहिए। आगे हम लोग इसी में एक चीज़ और पढ़ेंगे, के लिए हम लोग एक और इसमें देखते हैं। नंबर ऑफ वेज इन व्हिच एन डिफरेंट बिट्स कैन बी अरेंज्ड टू फॉर्म ए नेकलेस इज एन माइनस वन फैक्टोरियल बाई टू। देखिए, अब उस केस में हमको कैसे वर्क करना है उसके बारे में बताएंगे। जब कोई हम लोग गार्लैंड यानी माला अगर कोई हम बनाते हैं, या कोई नेकलेस बनाते हैं, या कोई हार बनाते हैं, उस केस में जो सिस्टम होता है उसके मुताबिक इक्विडिस्टेंस पे एक समान सिस्टम दिया रहता है, ऐसे सिस्टम एक समान दिया रहता है। अगर कोई एक माला है, इसको 180 से ओवरलैप कीजिएगा, तो 180 से भी ओवरलैप कीजिएगा तो ये उसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा, ठीक है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा, वो उसी तरीके का सिस्टम के मुताबिक रहता है। यहाँ जो है उसी टाइप का यहाँ रहेगा, ये रेड है तो रेड है, ब्लैक है तो ब्लैक है, येल्लो है तो येल्लो है, इस तरह से। तो इस केस में एक साइड और दूसरे साइड आइडेंटिकल हो जाते हैं, तो उसमें अगर एक को हम फिक्स कर लें, तो एक को फिक्स करने के बाद मेरे पास n माइनस वन फैक्टोरियल आ गया उसका नंबर ऑफ अरेंजमेंट स्टेट पे भी, लेकिन आधा और आधा सेम रहता है, इसलिए उस केस में हम लोग n माइनस वन फैक्टोरियल बाई टू लगाते हैं, हम लोग वर्क करते हैं। तो चलिए इस केस पर हम लोग एक आध क्वेश्चन देख लेते हैं, वर्क कर लेते हैं। जैसे ऐसे हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ वेज इन व्हिच एट डिफरेंट वीड्स कैन बी अरेंज्ड
टू फॉर्म ए, फॉर्म ए नेकलेस ठीक है। क्योंकि नेकलेस के केस में एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज दोनों अरेंजमेंट सेम होते हैं ठीक है, अंतर नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग उसको हाफ करते हैं। तो मेरे पास टोटल कितने बीट्स हैं, 8 बीट्स हैं, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स इक्वल टू 8 माइनस 1 फैक्टोरियल बाय 2, जो भी आए हम लोग लिख सकते हैं 7 फैक्टोरियल बाय 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 2520। तो इस तरह के केसेज में हम लोग इस तरह से वर्क कर सकते हैं ठीक है। चलिए एक आध क्वेश्चन और हम लोग देख लें। ऐसे क्वेश्चन है हमारे पास, इन हाउ मेनी वेज 7% सीट अराउंड ए टेबल, ए राउंड टेबल कन्फ्रेंस, राउंड टेबल कन्फ्रेंस इज टू बी हेल्ड बिटवीन, हेल्ड बिटवीन डेलीगेट ऑफ 20 कंट्री, डेलीगेट ऑफ 20 कंट्री इन हाउ मेनी वे कैन, हाउ मेनी वेज कैन दे बी सीटेड इफ टू पार्टिकुलर डेलीगेट डेलीगेट मे विश टू सिट टुगेदर, विश टू सिट टुगेदर। ठीक है, आइए क्वेश्चंस पर हम लोग वर्क करते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि एक राउंड टेबल कन्फ्रेंस है जिसमें 20 डेलीगेट्स डिफरेंट 20 कंट्री के बुलाए गए हैं, जिसमें कहा गया कि दो पार्टिकुलर डेलीगेट एक साथ बैठे। तो हम जैसे ही इसको राउंड टेबल पर सजाएंगे तो एक को फिक्स किसी न किसी को करना पड़ेगा। तो एक को फिक्स करेंगे तो 19 हो गया, 19 में से दो कोई कहा कि एक साथ बैठेंगे, तो जैसे ही आप 19 लिए, अब ये सर्कुलर पे न रहा, अब ये स्ट्रेट लाइन पे आ गया। अब स्ट्रेट लाइन पे 19 डिफरेंट डेलीगेट्स को अरेंज करना है, तो जब डिफरेंट डेलीगेट्स को अरेंज करना है जिसमें कंडीशन कहा कि टू पार्टिकुलर डेलीगेट्स एक साथ आए, तो दो पार्टिकुलर को फिर एक मानना पड़ता है। तो एक जैसे ही मान लीजिएगा तो 19 में से दो को निकालिएगा, 17 और एक मानिएगा तो मेरे पास 18 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट लिखिएगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 18 फैक्टोरियल। और दो डेलीगेट्स को एक साथ बैठाते हुए भी तो आप अरेंज कर सकते हैं, जैसे ए पहले बैठा बी बाद में और बी पहले ए बाद में, फैक्टोरियल टू तरीका। तो इस तरह से हम लोग इस पर वर्क कर लेंगे। अगले क्लास से हम लोग कॉम्बिनेशन पे काम करेंगे और कॉम्बिनेशंस के फर्स्ट टॉपिक से हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।